So we'll go ahead with next question, question number 19. In a plano convex lens, हमारे पास एक plano convex lens है, मतलब एक surface plane है, एक convex है. The radius of curvature of the convex surface is 10 cm. Radius की value दी है, r की value दी है. If the plane side is polished, then the focal length will be. अगर हमने plane side को polish कर दिया, तो focal length क्या होगा? ऐसा पूछा है आपको. Refractive index is 1.5. तो सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था. तो यू नीड टू रिमेंबर कि अगर हमारे पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस. अब आप बोलोगे ऐसा क्यों ड्रॉ किया, ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ किया? भाई थोड़ा लॉजिकली सोच लो. अगर तुम ऐसा ड्रॉ कर रहे हो, तुम पहली सरफेस को किसको पॉलिश किया, तुमने कौन सा साइड को पॉलिश किया? प्लेन को. अगर मैं प्लेन को पॉलिश कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो तुम? लेफ्ट साइड में. तो जब यही सरफेस, जब पहला ही सरफेस तुम्हारा पॉलिश हो गया, तो लाइट अंदर जाएगा ही नहीं कभी. इसके लिए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस को मैं यहाँ पे ऐसा दिखाने वाला हूँ. दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू शो इट. क्योंकि मुझे करना है प्लेन सरफेस को पॉलिश. ऑब्जेक्ट का लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है, इट शुड बी एबल टू एंटर इनसाइड. इसके लिए वी आर बेसिकली पॉलिशिंग प्लेन सरफेस. तो इसको पॉलिश कर दिया. तो इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, तो आपको मैंने बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये सिस्टम कैसा होता है. इट बिहेव्स लाइक अ लेंस प्लस अ मिरर. तो दिस बिहेव्स लाइक अ लेंस प्लस अ मिरर. और फोकल लेंथ विल बी 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर. प्लेन मिरर का रेडियस इन्फिनिटी होता है, तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होता है. तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी. तो एफ एम इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ गया. तो यू विल हैव 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 2 बाय एफ एल प्लस 1 बाय इन्फिनिटी. बट 1 बाय इन्फिनिटी 0. बट डू यू रिमेंबर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला था, वो भी हमने डिराइव किया था आर अपॉन म्यू माइनस 1. प्लानो कॉन्वेक्स आर अपॉन म्यू माइनस 1. अगर इक्वी कॉन्वेक्स होगा तो आर अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1 बराबर. तो 1 अपॉन एफ एल इज म्यू माइनस 1 बाय आर. तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू हैव 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाय एफ एल. व्हाट इज 1 बाय एफ एल? म्यू माइनस 1 बाय आर. 1 बाय एफ इक्वल्स टू 2. म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5. आर की वैल्यू 10 है, मुझे पता है, वो मैं बाद में लिख रहा हूँ. 1.5 माइनस 1 कितना होता है? 0.5 इंटू 2 कितना होता है? 1. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एफ इक्वल्स टू आर, और आर की वैल्यू कितनी थी? 10. तो फोकल लेंथ इज आल्सो 10. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. Quick. Next question is, it is a simple question now. A concave mirror of focal length F1 is placed at a distance D from a convex lens of focal length F2. हमारे पास एक concave mirror है जिसका focal length F1 है. It is placed at a distance D from a convex lens of focal length F2. A beam of light coming from infinity falls on the convex lens concave mirror combination, returns to infinity. The distance D must be equal to. अभी ये क्वेश्चन मैं आपके लिए असाइनमेंट रख रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है. ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही. बट हाउ टू सॉल्व? यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिरर एंड लेंस. तो फिर पिछले क्वेश्चन में क्या किया? मिरर एंड अ लेंस. तो तुमको हिंट मिल गया कि अल्टीमेटली तुमको ऐसा ही कुछ फॉर्मूला यूज करना है नेव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो असाइनमेंट है, यू शुड ट्राई दिस बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन 21, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो आई विल हेल्प यू आउट विद दिस क्वेश्चन. अ कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ रेस इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस. कॉन्वर्जिंग बीम कैसे दिखता है पता होना चाहिए. तो वैन यू हैव रेज विच आर लाइक समथिंग लाइक दैट, इसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग बीम. मतलब दीज रेज आर मूविंग टू अ सिंगल पॉइंट, यहाँ पे आके कॉन्वर्ज होने वाले थे.
होने वाले थे, हुए नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि a converging beam of rays is incident on a diverging lens. Which lens is diverging lens? Concave. So these rays are basically incident on a concave lens. मैं concave lens draw कर रहा हूँ यहाँ पे. So these are incident on a concave lens. So these are incident on a concave lens. तो ऐसा है. This is what you have more or less. Then क्या बोला है? Converging beam of rays is incident on a diverging lens. Having passed through the lens, the rays intersect at a point 15 centimeter from the lens on the opposite side. If the lens is removed, the point where the rays meet will move 5 centimeter closer to the lens. The focal length of the lens is. अच्छा क्वेश्चन है. Very good. तो क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लो पहले. क्वेश्चन में बोला है हमारे पास कॉन्वर्जिंग बीम था, वो किस पे इंसिडेंट हुआ? कॉन्केव लेंस पे, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस इज कॉन्केव लेंस. Having passed through the lens, lens से पास होने के बाद the lens through the lens the rays intersect at a point 15 centimeter from the lens. तो कहाँ intersect हुए? 15 centimeter. कहाँ पे? Opposite side में. तो डायग्राम मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ, नो इश्यूज, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है. ये था लेंस, इस लेंस में से वो जो रेज है वो पास होने के बाद, कॉन्वर्जिंग रेज पास होने के बाद, कॉन्वर्जिंग रेज को ये डाइवर्ज करेगा, तो ये पास होने के बाद 15 सेंटीमीटर दूर जाके कॉन्वर्ज हुए, 15 सेंटीमीटर दूर जाके कॉन्वर्ज हुए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है. आगे क्या बोला है? इफ द लेंस इज रिमूव्ड, अगर मैं लेंस हटा देता हूँ, तो पॉइंट वेयर द रेज मीट विल मूव 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस. मतलब ऐसा है, नाउ इफ आई रिमूव द लेंस, मैंने अगर लेंस को रिमूव कर दिया, हटा दिया यहां से लेंस को, तो जहां पे वो कॉन्वर्ज करेंगे, सपोज यहां कॉन्वर्ज करेंगे, इमेजिन दिस इज द पॉइंट वेयर दे विल कॉन्वर्ज, ये 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स मूव कर गया, किसके टूवर्ड्स? फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द लेंस. 5 सेंटीमीटर, ये 15 था, 5 मूव कर गया, तो ये कितना बचा? 10 सेंटीमीटर. और आपको पूछा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बताओ क्या करेंगे? इट इज अ टू सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया, कंफ्यूज करने के लिए, दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू. पंद्रह और दस, ये जो वैल्यूज है दे मीन समथिंग. व्हाट डज द मीन? बताओ. क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे तो समझेगा. व्हाट डज दैट मीन? नहीं, चलो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं. अगर लेंस नहीं होता, लेंस नहीं होता, तो यहां पे कॉन्वर्ज करते ओ पॉइंट पे, मतलब ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, लेकिन लेंस होने की वजह से वो कहां कॉन्वर्ज कर गए? ओ डैश पे. तो जो ऑब्जेक्ट था ओ, उसका इमेज कहां बना है? ओ डैश. अब बताओ 15 सेंटीमीटर मतलब कौन है? 10 सेंटीमीटर का कौन है? इमेज डिस्टेंस है 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10. ऐसा घुमा घुमा के बातें करते हैं, क्योंकि देखो अगर लेंस नहीं होता, लेंस नहीं होता तो ओ पे रेज आके कॉन्वर्स करते. तुमने लेंस रख दिया, इन्होंने उल्टा पूछा है तुमको, रिमूव कर दिया, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है. उल्टा सोचो ना, तुमने लेंस रख दिया तो जो ऑब्जेक्ट था ओ, अब वो ओ पे दिखेगा क्या? नहीं. कहाँ दिखेगा? ओ डैश. दिखना मतलब इमेज बनना, तो इमेज कौन है? ओ डैश. तो इमेज डिस्टेंस क्या है? 15. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 10. कितना है? 10. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, यस. इमेज डिस्टेंस मिल गया, यस. हाउ डू यू फाइंड फोकल लेंथ? 1/f = 1/v - 1/u. फिर क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. बताओ तो यूजिंग साइन कन्वेंशन क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन में फोकल लेंथ का तो नहीं यूज करना, वी फाइंड करना है. वी कहाँ पे है? टू द राइट. तो क्या लिखेंगे? प्लस. ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? टू द लेफ्ट. तो क्या लिखेंगे? माइनस. नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो लेफ्ट में ही है, सॉरी राइट में है. ऑब्जेक्ट कहाँ है? राइट में है, तो प्लस ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओ इज लाइक ऑब्जेक्ट.
एंड ओ डैश इज द इमेज, तो लेंस अगर यहाँ था तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, राइट में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या आएगा प्लस, तो 1/f = 1/15 -1/10, 10 - 15 कितना -5/15 × 10, 1 × 2 = 1, तो 1/f = -1/30, तो f = -30, और माइनस आना भी चाहिए था क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आना चाहिए -30। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, गुड, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहाँ गलती के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 4 meters फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द टू थिन कॉन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 2 meters and 1 meter रिस्पेक्टिवली, तो दो लेंस है, ये दो लेंस में से एक का फोकल लेंथ 2 meters है, एक का 1 meter है, और दोनों में से जो पहला लेंस है वहां से 4 meters पे सोर्स है, सोर्स मतलब ऑब्जेक्ट। द फाइनल इमेज, अच्छा द लेंसेज आर सेपरेटेड बाय 3 meters, लेंस का डिस्टेंस भी 3 meters बोला है और दिख भी रहा है हमको। द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, फाइनल मतलब दो इमेज बनने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको याद होगा ये इट इज जस्ट लाइक टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, टू इमेज फॉर्म, सो माइक्रोस्कोप जैसा ही है। सो द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द सेकेंड लेंस इज लोकेटेड फ्रॉम द सोर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो जो फाइनल इमेज बनेगा वो कितना दूर है, द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द लेंस इज लोकेटेड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से कितना दूर है, सोर्स से कितना दूर है, तो तुम चाहो तो इसको माइक्रोस्कोप जैसा भी ट्रीट कर सकते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा, बट ठीक है, अदरवाइज वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन डायरेक्टली विदाउट अप्लाइंग माइक्रोस्कोप के फॉर्मूलाज। पहले तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा आपको, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि तुम्हारे पास दो लेंस है, एक का फोकल लेंथ 2 meters है और एक का 1 meter है, ये दोनों लेंस दे आर सेपरेटेड बाय 3 meters, मतलब ऑप्टिक सेंटर ऑफ वन एंड ऑप्टिक सेंटर ऑफ सेकेंड, उनका डिस्टेंस है 3 meters। पहले लेंस से 4 meters डिस्टेंस पे एक सोर्स है, अब ये जो सोर्स है इसका पहला इमेज बनाएगा पहला लेंस, और पहले लेंस ने जो इमेज बनाया वो दूसरे लेंस के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और सेकेंड लेंस उसका वापस से इमेज बना देगा, तो जो फाइनल इमेज बनाया सेकेंड लेंस ने बनाया, उस फाइनल इमेज का डिस्टेंस सोर्स से कितना है, सोर्स से, राइट? क्वेश्चन समझा कि अभी भी नहीं समझा? यू हैव टू सॉल्व दिस लेवल ऑफ क्वेश्चन, अगर आपको नीट और JEE क्रैक करना है तो अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा। मैं वापस समझा देता हूँ, यहाँ सोर्स है मतलब ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली तुमने अब तक क्या सीखा है कि एक ऑब्जेक्ट, एक लेंस और एक इमेज, अब इसको तुमको सोचना ऐसा पड़ेगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसका पहला इमेज पहले लेंस ने बनाया, वो पहले लेंस ने जो इमेज बनाया वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, और सेकेंड लेंस ने वापस इमेज बना दिया, वो जो इमेज सेकेंड लेंस ने बनाया वो फाइनल इमेज है, वो इमेज ऑब्जेक्ट से, सोर्स से कितना दूर है। अभी क्लियर हुआ? तो अभी सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जो पहला लेंस है, फर्स्ट लेंस है, ये फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाया कहाँ। तो पहले केस में आपको सिर्फ पहला लेंस ही कंसिडर करना है, केस वन, लेंस वन, राइट? तो 1/f = 1/v - 1/u, तो यू विल हैव 1/v = 1/f + 1/u, देन यू यूज साइन कन्वेंशंस, और तुम याद रखना तुम पहले केस में v फाइंड कर रहे हो, v फाइंड कर रहे हो, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट डाउन 1 1 1 1 1 and 1, तो यूजिंग साइन कन्वेंशन यू आर फाइंडिंग आउट v, तो v के लिए कन्वेंशन यूज नहीं होंगे, f1 और u1 के लिए होंगे। f1 विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट दिख ही रहा है पहले लेंस के लेफ्ट साइड में है, तो नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस, चेक कर लो एक बार, दिस इज करेक्ट, तो ये इधर आके प्लस हो गया था, फिर वापस माइनस हो जाएगा वो, बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन। तो 1/v1 = 1/f1 - 1/u1, 1/v1 = 1/f1, f1 is 2 meter है क्या, हाँ 2 meter है, तो मीटर है, मीटर 2 meter है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब कुछ ही मीटर में दिया हुआ है,
What is the object distance? 4 meter. You know what is 1 by 2? Minus 1 by 4. अभी मैं थोड़ा कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको, नहीं तो तुम क्या करोगे, 4 माइनस 2 ऐसे करते ना, 4 माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई. लुक लुक लुक, ध्यान दो. अभी थोड़ा इसको 2 मिनट साइड में रखते हैं. 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ माइनस 1 बाय 4 इज 1 बाय 4, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 8 इज 1 बाय 8, 1 by 8 minus 1 by 16 is 1 by 16, 1 by 16 minus 1 by 32 is 1 by 32. ऐसा ही होता है, याद रखना, करके भी देख लो. 4 minus 2, 2 upon 8, 1 by 4, 8 minus 4, 4 upon 32, 1 by 8. ऐसा ही होता है. 1 में से half गया half, half में से उसका half गया 1 by 4, 1 by 4 में से उसका half गया 1 by 8, 1 by 8 में से उसका half गया 1 by 16. और अगर ये उल्टे number हो, उल्टे अगर नंबर उल्टे है तो फिर सिर्फ 7 में माइनस लगता है. मतलब अगर मैं हाफ में से 1 माइनस करूँ तो माइनस हाफ होता है, मैं 1 बाई 4 में से 1 बाई 2 माइनस करूँ तो माइनस 1 बाई 4 होता है, मैं 1 बाई 8, अच्छा ये यहाँ 1 बाई 8 में से मैं अगर 1 बाई 4 माइनस करूँ तो माइनस 1 बाई 8 होता है. तो सिर्फ माइनस 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 एक्स्ट्रा लगता है. तो नंबर्स के साथ थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. तो यू जस्ट बाय लुकिंग एट दिस यू शुड से दिस इज 1 बाई 4. मतलब v1 equals to 4 और v1 पॉजिटिव आया, इसका कुछ मतलब भी होता है. v1 पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि इमेज इज फॉर्म टू द राइट साइड, टू द राइट साइड. अब राइट साइड हैज सम मीनिंग हियर, ऐसा नहीं कि हाँ राइट राइट ठीक है राइट. अरे आगे सोचो, राइट साइड फिलहाल सेकंड लेंस को इग्नोर करो. राइट साइड, राइट साइड ये 3 है तो राइट साइड मतलब यहाँ पे 4, लगभग 3 + 1 = 4. मतलब जो सोर्स का पहला इमेज बना इसको मैं बोल देता हूँ आई वन, दैट इज द इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस, राइट करेक्ट. ये जो आई वन या आई डैश जो बोलना है वो बोल दो. ये इमेज किसने बनाया, पहले लेंस में. कितने डिस्टेंस बनाया, 4, और पॉजिटिव आया मतलब कहाँ बना, राइट साइड में. और ये जो इमेज है ये सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए, सेकेंड लेंस के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट. तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1. U2 इज 1. तो रिमेंबर, सो देयरफॉर अभी केस 2 स्टार्ट होगा. यहां से केस 2 स्टार्ट करते हैं. केस 2 इज लेंस 2. सिंस V1 इक्वल्स टू 4, देयरफॉर U2 इक्वल्स टू 4 माइनस 3. हाउ मच इज दैट, 1. 4 माइनस 3 क्यों लिखा, क्यों लिखा ऐसा, आई वुड से इट इज वी वन माइनस 3. ये 4 में से 3 तो यही गया ना, तो बचा कितना, 1. तो यू टू कितना आ गया, 1 मीटर. कितना आ गया, 1 मीटर. अब ये यू टू सेकेंड लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो यू टू मिल गया 1 और एफ टू तो दिया ही है, शायद 1 दिया है, 1 दिया ना एफ टू, यस. तो वापस वही 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू टू, 2 एंड 2. तो 1 बाई वी टू, 1 बाई वी टू विल बी 1 बाई एफ टू प्लस 1 बाई यू टू. अभी साइन कन्वेंशन यूज करो, यूजिंग साइन कन्वेंशंस 1 बाई वी टू इक्वल्स टू 1 बाई प्लस एफ टू, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, प्लस 1 बाई प्लस यू टू. प्लस क्यों लिखा, राइट साइड में है, वेरी गुड गुड. तो 1 बाई वी टू इक्वल्स टू 1 बाई एफ टू, ये था 1 और ये भी था 1, है ना, हाँ कि ना, हाँ यस बराबर है. 1 + 1 = 2. तो व्हाट इज वी टू, 1/2. 1/2 मतलब कितना, 0.5. और ये भी प्लस आया, ये भी प्लस आया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस आना, राइट साइड में. और कहाँ बना पता है, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज बना, ये 1 मीटर है, अगर ये 1 मीटर तो फाइनल इमेज यहाँ बना 0.5. 1/2 इज हाउ मच, 0.5 बराबर. अब इसका पहले बात तो आंसर में 0.5 दिया नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है, देना चाहिए था. क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन अगर पूरा नहीं पढ़ोगे तो तुम 0.5 को टिक करके आओगे. इन्होंने कहाँ से पूछा है, फ्रॉम द सोर्स. मैं अगर पूछूंगा ना ये एग्जाम में, मैं जानबूझ के एक ऑप्शन 0.5 करने वाला हूँ, सो दैट यू डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. तुम लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 0.5. 0.5 ये सेकेंड लेंस से है, सेकेंड लेंस खुद सोर्स से कितना दूर है, 7. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया,
7.5. therefore distance from source is 4 plus 3 plus 0.5, that is 7.5. option number B. Next question, let us move to the next question. इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, वी विल डू इट अगेन. टू आइडेंटिकल का मतलब होता है कर्वेचर सेम होना. टू आइडेंटिकल ग्लास इक्वी कॉन्वेक्स, तो दोनों लेंस का रेडियस भी सेम है, दोनों सरफेस का. तो टू आइडेंटिकल इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट. तो दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को तुमने कॉन्टैक्ट में रख दिया. द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विथ वॉटर. तो जो एम्प्टी स्पेस है दो लेंस के बीच में, यू आर फिलिंग इट विद वाटर. और वाटर का रिफ्लेक्टिविटी इज 4/3. द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने कल ही देखा था, सेम टाइप का क्वेश्चन. तो अभी ठीक है, वी विल डू इट अगेन. तो सबसे पहले यू हैव टू लेंसेज, लेट्स से दिस इज लेंस नंबर वन, यू हैव लेंस नंबर टू. दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों के कर्वेचर सेम है और दोनों क्या है, इक्वी कॉन्वेक्स. अब ऐसा बोला है कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो एम्प्टी स्पेस है, दैट एम्प्टी स्पेस यू आर फिलिंग विथ, इससे भर दिया वाटर, वाटर से भर दिया. ओके, तो ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा, बड़बड़ बंद कर दो, ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, थ्री लेंस. कितना लेंस? तीन लेंस. तो इट बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंस. तो कौन से तीन लेंस बता देता हूं मैं. तो यू विल गेट दिस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंसेस. तो व्हाट यू विल हैव इज दिस. ओके, ये एक लेंस, देन यू हैव वन मोर लेंस हियर. तो ऐसा ये तीन लेंस का कॉम्बिनेशन बन गया. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू थ्री लेंस. पहले का फोकल लेंथ मैं F1 मान लेता हूँ, दूसरे का फोकल लेंथ मैं F2 मान लेता हूँ, तीसरे का फोकल लेंथ मैं F3 मान लेता हूँ. तो अगर आपको याद होगा, और अब शॉर्टकट्स अभी से स्टार्ट कर दूंगा मैं, बिकॉज यू कैनॉट ऑलवेज सॉल्व कंप्लीट एक एक स्टेप. तो आपको अगर याद होगा, थ्री लेंथ इन कॉन्टैक्ट, इट इज 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3. वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज दैट, कि तुमको F1 और F3 सेम है ये पता होना चाहिए. और वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज ऑल्सो दैट इट इज इक्वी कॉन्वेक्स लेंस एंड मेड अप ऑफ ग्लास. तो सीधा सीधा आर होता है, याद है क्या? इक्वी कॉन्वेक्स एंड मेड अप ऑफ ग्लास. इक्वी कॉन्वेक्स, एफ इज आर अपॉन 2 into μ-1. याद है? भूल गए सब कुछ. तो दिस इज आर अपॉन 2 into ग्लास इज 3/2 - 1. 3/2 - 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया आर. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि F1 और F3 इसकी वैल्यू कितनी है, आर. और इसी को F भी बोला है क्वेश्चन में. टू आइडेंटिकल ग्लास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ F, ये इंपॉर्टेंट है. F, तो F1 और F3 दे आर F एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू R. तो F इक्वल टू क्या आ गया, R. जो मिडल लेंस था, दैट इज मेड अप ऑफ वाटर, वाटर लेंस है वो, वाटर लेंस है और वो इक्वी कॉनकेव है. क्या है वो? इक्वी कॉनकेव है. क्या है वो? इक्वी कॉनकेव है. और इक्वी कॉनकेव है तो क्या करोगे, 2 into μ-1, राइट, विद अ माइनस साइन ऑफ कोर्स. इक्वी कॉनकेव है, ये क्या आ जाएगा, F इक्वल टू माइनस R, है ना? नहीं, ये वाटर है, वाटर वो ग्लास के लिए होता है, ये वाटर है. तो F2 क्या आ गया, F2 माइनस R, लेकिन R खुद कौन है, F अपॉन 2 इनटू व्हाट इज वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, 4/3 माइनस 1, व्हाट इज 4/3 - 1, हां 1/3. तो ये ऊपर गया तो ये आ गया माइनस 3F/2, बराबर. तो ये मिल गया आपको F2. And you wanted to find out 1/F combination, which is 1/F1.
प्लस वन बाय एफ टू प्लस वन बाय एफ थ्री, वन बाय एफ वन इज वन बाय एफ क्योंकि एफ वन एफ थ्री आर एफ, वन बाय एफ टू, वन बाय एफ टू इसका रेसिप्रोकल माइनस टू बाय थ्री एफ और वापस से वन बाय एफ, वन बाय एफ प्लस वन बाय एफ टू बाय एफ माइनस टू बाय थ्री एफ, टू बाय एफ को कॉमन निकाल लो, निकाल लिया कॉमन। अच्छा ये कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए कॉम्बिनेशन 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 जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन बिटवीन स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ। तो टू बाय एफ कॉमन निकाल लो, वन माइनस वन बाय थ्री, वट इज वन माइनस वन बाय थ्री, टू बाय थ्री, टू बाय थ्री ना, तो वन बाय एफ सी इज टू बाय एफ और टू बाय थ्री, तो कितना हो गया फोर बाय थ्री एफ, तो एफ सी कितना हो गया थ्री एफ बाय फोर, थ्री एफ बाय फोर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब विद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5, बाय द वे यू शुड ऑल्सो नोटिस 2016, मतलब एक साल में दो तीन क्वेश्चंस भी आते हैं, नीट का है ये, तो यू हैव टू ऑल्सो पे अटेंशन, इट इज इंपॉर्टेंट। एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब, एक एयर बबल है इन अ ग्लास स्लैब विथ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नियर नॉर्मल इंसिडेंस मतलब तुम उसको डायरेक्ट परपेंडिकुलर देख रहे हो, क्योंकि मेरे पास अगर एक ग्लास स्लैब हो तो मैं साइड से भी देख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ, जब तुम डायरेक्ट उसके ऊपर से देखते हो दैट इज कॉल्ड एज नियर नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है ना, इसलिए अब पता भी होना चाहिए जब आप स्केल यूज करते हो ना सेंटीमीटर स्केल, तो जब मेजरमेंट करते हो तो तुमको नॉर्मली ही देखना पड़ता है ऐसा ऊपर से, कोई साइड से देखता है कोई ऐसा देखता है, तो ऐसा और ऐसा देखोगे तो आंसर गलत दिखेगा, तो नॉर्मल मतलब सीधा ऊपर से देखना परपेंडिकुलर। इस 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस, तो ये बबल आपको 5 सेंटीमीटर पे दिख रहा है राइट, इस 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस, एक सरफेस से देखा तो 5 सेंटीमीटर, एंड 3 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द अपोजिट फेस, इसी बबल को दूसरे सरफेस से देखा तो 3 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, दिखना मतलब अपेरेंट होना, तो ये अपेरेंट डेप्थ है एक साइड से और 3 सेंटीमीटर है apparent depth from the other side, the thickness in centimeter of the slab is, good question, so question samjha kya, question samjha, question hi nahi samajh mein aaya to kaise kaam chalega, chalo theek hai I'll explain you the question again, maan lete hai ye ek glass slab hai, glass slab hai, इसमें एक एयर बबल है, इसमें एक एयर बबल है, जब मैं इसको, जब मैं इस एयर बबल को एक सरफेस से देखता हूँ, सरफेस वन सरफेस टू, जब मैं इसको एक सरफेस से देखता हूँ तो ये मुझे 5 सेंटीमीटर दूर दिखाई देता है, दिखाई देता है मतलब ये अपेरेंट डेप्थ है, इट इज़ नॉट द रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ राइट। अब जब मैं इसको दूसरे सरफेस से देखता हूँ तो यही बबल मुझे 3 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है, मतलब ये भी अपेरेंट डेप्थ है। आपको याद है जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में हो तो ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेस्ट, रेस्ट मतलब नियरर, होता वो दूर है दिखता वो पास में है, होता वो दूर है, ये दिख 5 सेंटीमीटर पे रहा था लेकिन था तो वो दूर, कितना दूर उसको बोलते हो रियल डेप्थ, क्या बोलते हो उसको रियल डेप्थ। तो अगर मैं इस सरफेस से देख रहा हूं तो रियल डेप्थ आर वन है बराबर राइट, श्योर श्योर 100% पक्का पक्का, लॉक कर दे लॉक, क्योंकि लॉक नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरे सरफेस से देख रहा हूं तो दिख तो मुझे 3 सेंटीमीटर पे रहा है लेकिन दूसरे सरफेस से देख रहा हूं तो भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनसाइड द डेंसर मीडियम, तो वो पास दिख रहा है लेकिन है कहाँ, वो दूर है, वो है कितना दूर पता है, कितना दूर आर टू। आपको क्या पूछा था, क्या पूछा था, थिकनेस, तो डू यू सी दिस इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब,
व्हाट इज थिकनेस ऑफ स्लैब? दैट इज रियल डेप्थ फॉर द फर्स्ट सर्फेस प्लस रियल डेप्थ फॉर द सेकेंड सर्फेस. एंड डू यू रिमेंबर इफ द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स is real depth upon apparent depth. So real depth is mu into apparent depth. Matlab real depth in the first case is mu into a1. Mu1mat likh dena. Mu1 mu2 likh rahe ho, matlab tum bol rahe ho dono material bhi alag alag hai. Material to ek hai na, glass slab ek hi hai. So real depth for the first surface is mu a1 and for the second surface is mu a2. Now therefore the thickness which was basically r1 plus r2 is nothing but mu a1 plus mu a2. So mu common nikal gaya, you have a1 plus a2. Mu ki value kitni hai? Glass hai na, 1.5 hona chahiye, 1.5 hai, 1.5. a1 kitna hai? 5. a2 kitna hai? 3. To 1.5 into 8, 8 pura aur 8 aadha, matlab 12. So 12 centimeter should be the thickness. Option B. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी एज अ ट्रिक, चलो ट्रिक बता देता हूँ. इम्पॉर्टेंट इज टू मेक ट्रिक्स. ट्रिक इज दैट कि अगर आपको ऐसा बोला है कि एक बबल, एक ऑब्जेक्ट एक स्लैब में, एक स्लैब के अंदर है, एक सरफेस से देख रहे हो तो इतने डिस्टेंस पर दिख रहा है, दूसरे से देख रहे हो तो उतने डिस्टेंस पर दिख रहा है, थिकनेस फाइंड करो, तो कुछ मत करो, म्यू इंटू ए वन प्लस ए टू करो. डन. सीधा सीधा फॉर्मूला है. A1 is 5, A2 is 3, 5 plus 3 is 8, 8 into 1.5 is 12. Good. So, अभी अगली बार से ये तुमको पता होना चाहिए. This is how you can solve this question. So, it is a trick now. Question number 25. 2016. एक ही साल में तीन तीन क्वेश्चन. Of course, important chapter है. The angle of incidence for a ray of light, angle of incidence for a ray of light at a refracting surface of a prism is 45. मतलब I की value 45 दिया है. The angle of prism is 60. A की value 60 दी है. If the ray suffers minimum deviation, minimum deviation बोलना मतलब I equal to E होना, R1 equal to R2 होना और prism formula use करना. Mu equal to sine of A plus delta M by 2 upon sine of A by 2. मैंने clearly बोला था मिनिमम डेविएशन वर्ड यूज होगा तब ही तुम प्रिज्म फॉर्मूला यूज कर सकते हो. तो अभी कर सकते हो. राइट. इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा एम एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म रिस्पेक्टिवली आर. जोक, बिकॉज दे आर टेलिंग यू मिनिमम डेविएशन, इसका मतलब यू कैन यूज दिस ए प्लस डेल्टा एम बाय टू अपॉन साइन ऑफ ए बाय टू. बराबर. आपको क्या क्या पूछा है? आपको पूछा है डेल्टा एम और आपको पूछा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. अब प्रॉब्लम क्या है? पहले प्रॉब्लम समझ लो. म्यू फाइंड करना है, हाँ. डेल्टा एम फाइंड करना है, हाँ. इक्वेशन एक है, अननोन दो है, सॉल्व होता है ना? नहीं होता ना सॉल्व. क्या करेंगे? आई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाय टू. तो इधर सीधा सीधा तुम आई लिख दो, क्योंकि यहाँ पे सिंस यू नो दैट What do you know is ये a plus delta m by 2 ही तो i है. तो mu equals to sin i upon sin of a by 2. Right. तो mu equals to sin i which is sin 45. a was 60. तो sin 60 by 2 that is sin 30. Sin 45 is 1 by root 2 and sin 30 is 1 by 2. तो mu equals to 2 by root 2. 2 by root 2 होता है root 2. रूट टू ये मिल गया आपको म्यू, तो रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू आ गया. अब आपको फाइंड करना है डेल्टा एम. आई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाय टू मतलब टू आई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम मतलब डेल्टा एम इक्वल्स टू टू आई माइनस ए. टू इंटू 45 इज 90, 90 माइनस 60 इज 30. तो 30 और रूट टू, 30 और रूट टू ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म, फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म टू बी इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब डेल्टा एम और ए की वैल्यू सेम है, डेल्टा एम और ए की वैल्यू सेम है, द
जब डेल्टा एम और ए की वैल्यू सेम हो तो हमने देखा था कि म्यू बन जाता है 2 cos A/2। नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, बट अगली बार से याद रखो, हर बार डिराइव करोगे तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। द प्रिज्म मस्ट बी मेड अप ऑफ अ मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइज बिटवीन √2 and 1, लाइज बिटवीन 2 and √2, इज लेस देन 1, इज ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट म्यू इज साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। ये यूज कर सकते हैं, हाँ क्यों कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम डेविएशन ए वर्ड यूज किया था तो यूज कर सकते हो, और ऊपर से बोला है कि ए और डेल्टा एम की वैल्यू भी सेम है। तो म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इसका मतलब म्यू इक्वल्स टू साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। फिर अगर तुमको याद होगा, हम लोग साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, मतलब हम लोग साइन ए को 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम ऑलरेडी 2 बार यूज कर चुके हैं, तो अभी तो पता होना चाहिए था आपको। ये और ये हो गया कैंसल, तो यू हैव म्यू इक्वल्स टू 2 कॉस ए बाई 2। मतलब बेसिकली योर आंसर स्टार्ट फ्रॉम हियर, आंसर स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज वॉट यू आर सपोज टू नो। जैसे ही उन्होंने बोला ना कि डिवेशन एंगल, मिनिमम डिवेशन एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म सेम है, तो यहां से स्टार्ट करना चाहिए। इसका मतलब व्हाट डू यू नोटिस, यू सी दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस ऑफ ए बाई 2। ठीक, तो उन्होंने पूछा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो सकती है, तो इसका मतलब म्यू डिपेंड्स ऑन कॉस ऑफ ए बाई 2, डिपेंड्स ऑन कॉस ऑफ ए बाई 2। तो म्यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी अगर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो, इफ कॉस ऑफ ए बाई 2 इज मैक्सिमम। आपको पता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस, 1, कितना 1। देयरफॉर म्यू मैक्स इज बेसिकली 2 into 1, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू इज 1, राइट? यस नो यस, गलत बोला तुम, हाँ बोल रहे हो, दिस इज रॉन्ग। वाई रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे कॉस की वैल्यू नहीं डिसाइड करेगी, कॉस की वैल्यू को कौन डिसाइड कर रहा है वो देखो, कॉस ऑफ ए बाई 2 है कॉस ऑफ, तो कॉस की वैल्यू डिसाइड कौन कर रहा है, ए, व्हाट इज ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म विल डिसाइड वैल्यू ऑफ कॉस एंड दैट विल डिसाइड म्यू। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। एंगल ऑफ प्रिज्म, 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 दिस इज अ प्रिज्म, ओके, दिस इज अ प्रिज्म। अब ये प्रिज्म का, प्रिज्म का मिनिमम वैल्यू पता है कितना हो सकता है, पता है, 0, 0 थियोरेटिकली, यस 0, राइट, प्लेन सरफेस बन गया। और पता है मैक्सिमम कितना होता है, 90 के ऊपर नहीं होता, राइट एंगल प्रिज्म के ऊपर कोई प्रिज्म नहीं होता। तो यू हैव टू नो दैट इट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज 0, तो ए की मिनिमम वैल्यू कितनी है, कितनी है, 0। तो ए की वैल्यू मतलब म्यू डिपेंड्स ऑन कॉस ए बाई 2 एंड कॉस ए बाई 2 डिपेंड्स ऑन ए, डिपेंड्स ऑन ए। तो एक काम करो, पहले ए की वैल्यू मिनिमम ले लो, ए मिनिमम कितना होगा, 0। देयरफॉर कॉस ऑफ ए बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आई, कॉस 0, व्हाट इज कॉस 0, 1। इसके लिए जो म्यू की वैल्यू है वो बन जाएगी 2 कॉस ए मिनिमम बाय 2, मतलब 2 into 1, मतलब कितना, 2। तो म्यू का एक वैल्यू कितना है, 2 है, एक वैल्यू 2 है। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, तो ए का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, 90 है, कितना है वो, 90 है। देयरफॉर कॉस ऑफ ए मैक्स बाय 2 इज कॉस ऑफ 90 बाय 2, व्हाट इज कॉस ऑफ 90 बाय 2, कॉस ऑफ 45, व्हाट इज कॉस ऑफ 45, 1/√2। देयरफॉर जो म्यू का दूसरा वैल्यू है वो होगा 2 कॉस ऑफ ए मैक्स बाय 2, लेकिन कॉस ऑफ ए मैक्स बाय 2 कितना आया, ये कितना आया, 1/√2, तो कितना आ गया, √2। तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बिटवीन √2 and 2, बिटवीन √2 and 2, मतलब 2 and √2 के बीच। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एंगल ए अज्यूम टू बी स्मॉल. तो जो प्रिज्म है वो स्मॉल प्रिज्म है. स्मॉल प्रिज्म मतलब थिन प्रिज्म है. थिन प्रिज्म मतलब प्रिज्म स्मॉल मतलब ए स्मॉल. ए स्मॉल मतलब प्रिज्म थिन. अगर ए की वैल्यू 10 डिग्री से कम होगी तो क्या बन जाता है वो थिन प्रिज्म. थिन प्रिज्म है याद रखना, दैट इज थिन प्रिज्म. आखिरी में काम में आएगा. एंड एंड जो रे ऑफ लाइट है इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन वन फेस ऑफ अ प्रिज्म एंड एमर्जेस नॉर्मली. नॉर्मली नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर. कहाँ से एमर्ज हुआ? फ्रॉम द अपोजिट फेस. अगर ए बी से इंसिडेंट हुआ तो ए सी से बाहर निकला. कैसे निकला? नॉर्मली. नॉर्मली निकलना मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस जीरो होना. स्टेट बोर्ड का एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल 9.9 जो मैंने तुमको लास्ट में बताया था, वो तब बताया था आपको मैंने ग्रेजिंग इमर्जेंस एंड नॉर्मल इमर्जेंस क्या होता है. नॉर्मल बाहर निकलना मतलब ई की वैल्यू जीरो होना और ग्रेजिंग निकलना मतलब ई की वैल्यू 90 होना. तो नॉर्मल इमर्जेंस है. इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज एन द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज नियरली इक्वल टू. सिंपल क्वेश्चन है तो समझ लेते हैं कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. सो दे आर बेसिकली टेलिंग यू दैट हमारे पास एक प्रिज्म है. ऑफकोर्स विथ ए एज स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है तो थिन प्रिज्म है. अब ऐसा है कि एक सरफेस पे रे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और दूसरे सरफेस से वो नॉर्मली बाहर गया, परपेंडिकुलर बाहर गया. बराबर, गुड. तो अगर आपको याद होगा यू शुड रिमेंबर दिस. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एमर्जेंस बनता है तो कितना है? जीरो. और इधर अंदर के सरफेस पे आर टू बनता है. अगर ए जीरो तो आर टू भी कितना है? जीरो है. और यहाँ पे आर वन बनता है और यहाँ पे आई होता है. ऐसा होता है. हाँ, आपको क्या पूछा है? क्या पूछा है? क्या हाँ पूछा है? आई पूछा है. तो मैं अगर ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देता हूँ, ए बी पे स्नेल्स लॉ, बाहर इधर यहाँ पे एयर है, एयर म्यू वन क्या है? वन. और अंदर ग्लास है, ग्लास. इसको एन बोला है, मैं म्यू बोल देता हूँ. एन बोलना है, एन बोल दो, कोई बात नहीं, एन बोल दो. फिर ये आ जाएगा म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन. बराबर, म्यू वन तो वन है, साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू को एन बोला है, यस साइन आर वन. तो मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे पहले आर वन चाहिए. डू यू रिमेंबर आर वन प्लस आर टू इज ए? हाँ कि ना? हाँ. लेकिन आर टू तो जीरो है क्योंकि ए जीरो है तो आर टू भी जीरो है. तो आर वन इक्वल्स टू ए है तो साइन आई इक्वल्स टू एन साइन ए क्योंकि आर वन की जगह क्या आ गया? ए. और जब एंगल ए स्मॉल हो तो सारे ही एंगल स्मॉल बनते हैं. रिमेंबर थिन प्रिज्म. थिन प्रिज्म की थ्योरी में तुमको बताया था मैंने कि अगर ए स्मॉल है तो सारे ही एंगल ऑल एंगल्स आर स्मॉल. और अगर और ऑल द एंगल्स आर स्मॉल इसका मतलब साइन आई की जगह पे तुम लिख सकते हो आई और साइन ए की जगह पे लिख सकते हो तुम ए. तो साइन आई इक्वल्स टू एन साइन ए बन जाएगा आई इक्वल्स टू एन ए. तो आई इक्वल्स टू एन ए, ऑप्शन नंबर ए. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री मतलब ए की वैल्यू, इट्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज रूट टू म्यू की वैल्यू एंड वन ऑफ द सर्फेस इज सिल्वर्ड. एक साइड को तुमने पॉलिश कर दिया, जिस साइड को तुमने पॉलिश किया वहां से लाइट बाहर नहीं जाता है बिकॉज इट बिकम्स अ मिरर. तो सिल्वरिंग मतलब पॉलिश करना. पॉलिश करना मतलब एक सरफेस को मिरर बनाना. मिरर बनाना मतलब लाइट अभी बाहर नहीं जा सकता, लाइट को अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर आना पड़ेगा. एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस अ रे शुड बी इंसिडेंट ऑन वन सरफेस सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस इट रिट्रेसेस इट्स पाथ. गुड. तो पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको. क्वेश्चन समझेगा तो सॉल्व होगा. ऐसा बोला है कि हमारे पास एक प्रिज्म है, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म आई थिंक 30 डिग्री दिया है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट टू दिया है.
वन ऑफ द सर्फेस इज सिल्वर्ड, तो दोनों में से कोई भी एक सर्फेस सिल्वर कर लिया ऐसा मान लो. सो लेट्स इमेजिन दैट वी हैव सिल्वर्ड दिस सर्फेस. मतलब एसी सर्फेस इज नाउ अ मिरर, यहां से लाइट बाहर नहीं जा सकता. लाइट विल नॉट गो आउट फ्रॉम हियर. अब आगे बोला है क्वेश्चन में, एट वॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस अ रे ऑफ लाइट शुड बी इंसिडेंट ऑन वन सर्फेस. कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमको लाइट को इंसिडेंट करना चाहिए सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर सर्फेस, इस सर्फेस से सिल्वर होके इट शुड रिट्रेस द पाथ. रिट्रेस मतलब जिस डायरेक्शन में आया था उसी डायरेक्शन में वापस जाना चाहिए. अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विल डिसाइड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन. आर वन विल डिसाइड कि रे जा कैसा रहा है. अगर रे ऐसा गया मतलब एसी को परपेंडिकुलर नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ आने वाला है, वो वापस उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाएगा. इन्होंने बोला है कि रिट्रेस करना चाहिए, मतलब रे रिफ्लेक्ट होके जिस डायरेक्शन से आया था उसी में जाना चाहिए, तो इधर तो नहीं होने वाला. फिर वो उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है. वो कंडीशन ये है कि जो रे है ना ये सिल्वर्ड सरफेस पे नॉर्मली ही जाएगा तो ही वो होगा. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आर टू इज जीरो, तब ही पॉसिबल है कि रे ऐसा गया रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया. तो अगर मैं एक साइड को मिरर बना रहा हूँ, तो रे को वापस उसी डायरेक्शन में आने के लिए एसी सरफेस पे मतलब मिरर पे परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने सीखा है ये रिफ्लेक्शन के केस में रे वापस कब आएगा, व्हेन आई इक्वल्स टू मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वो तो होता ही है मिरर में, क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ही जीरो हो, जीरो कब होता है, व्हेन द रे गोज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल. तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, तो आर टू जीरो होगा तभी जाके वापस आएगा. अगर आर टू जीरो होगा तो आर वन ए बन जाएगा. क्यों बनेगा पता है आर वन इज आर टू प्लस ए है ना. यस हाँ नहीं गलत लिख रहा हूँ फिर भी हाँ बोल रहे हो. ए माइनस आर टू, तो आर वन इक्वल्स टू ए क्योंकि आर टू कितना है जीरो. और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आए, यही पूछा है कि नहीं. यस yes? तो ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दो. दिस इज म्यू वन इक्वल्स टू वन, दिस इज म्यू टू इक्वल्स टू म्यू, जो भी वैल्यू दी होगी आपको रूट टू बोला है. तो म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर वन. म्यू वन की वैल्यू वन है, आई की वैल्यू तो पूजी है, म्यू टू की वैल्यू रूट टू है, आर वन की वैल्यू ए है और ए की वैल्यू 30 है. तो साइन 30 है. व्हाट इज साइन 30? 1/2. मतलब साइन आई कितना आ गया 1/√2. तो आई कितना आ गया 45. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.732 द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म. फिर वही बात हो गई, डेल्टा एम इक्वल टू ए. डेल्टा एम इक्वल टू ए मतलब म्यू इक्वल टू 2 कॉस ऑफ ए बाय 2. द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, एंगल ऑफ प्रिज्म ए पूछा है. अभी तुमको पता होना चाहिए, अब मैं वापस डिराइव नहीं करने वाला हूँ. फॉर ए इक्वल्स टू डेल्टा एम, म्यू इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ ए बाय 2. आपको क्या पूछा है, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ए पूछा है. तो म्यू बाय 2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए बाय 2. म्यू की वैल्यू कितनी पता है, 1.732 अपॉन 2. यू नो 1.732 मतलब रूट 3 होता है, पता नहीं. तो रूट 3 बाय 2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए बाय 2. तो मुझे बताओ रूट 3 बाई 2 कॉस की वैल्यू कौन से एंगल पे आती है, 60 पे आती है कि 30 पे आती है. 60 पे हाफ होता है. 30 इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई 2. कॉस कॉस गया तो 30 इक्वल्स टू ए बाई 2, तो ए इक्वल्स टू 60 हो गया. क्वेश्चन का नाम ऑप्शन नंबर सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म ए. रिफ्रैक्टिंग यहां पे ध्यान दो, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटल ऑफ प्रिज्म इज कॉट ए बाई टू. रिफ्रैक्टिंग एंगल ए है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कॉट ऑफ ए बाई टू है. द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज. अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड. रिफ्रैक्टिंग एंगल ए है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है कॉट ऑफ ए बाई टू. वेरी गुड. और क्या पूछा है, एंगल ऑफ वेरी गुड. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब म्यू होता है प्रिज्म फॉर्मूला. मिनिमम डेविएशन में म्यू क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू फ्रॉम वन एंड टू. लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, तो राइट हैंड साइड आर ऑल्सो सेम. तो कॉट ऑफ ए बाई टू इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू. वॉट इज कॉट? कॉट कॉस बाय साइन. तो कॉट इज कॉस बाय साइन. तो कॉट इज कॉस बाय साइन. याद रखना, इट इज कॉस बाय साइन. तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, कॉट को लिखूंगा कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू. सही है? यस. कैंसल और कैंसल. तो ये क्या आ गया आपका, कॉस ए बाई टू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू. अब प्रॉब्लम ये है कि एक साइड पे कॉस एक साइड पे साइन है, कैंसिल डायरेक्टली नहीं होगा. कॉस कॉस हो तो हो जाए कैंसिल, साइन साइन तो भी हो जाए कैंसिल, लेकिन एक कॉस एक साइन नहीं होता है. मतलब तुमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगने वाला है. मतलब या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करो या साइन को कॉस में कन्वर्ट करो. इसके लिए फिर अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, डिड आई टीच यू ट्रिग्नोमेट्री, 20-25 मिनट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. यस. डिड आई टेल यू इफ यू हैव साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा इट बिकम्स कॉस थीटा. जब बाई टू बाई टू बाई टू हो तो साइन का कॉस, कॉस का साइन. और जब बाई टू नहीं हो, पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई फाइव पाई हो तो साइन का साइन कॉस का कॉस. बराबर? हाँ कि ना? पक्का पक्का? क्योंकि यहाँ अगर गड़बड़ कर दी तो गए गए गए. तो मैं कॉस ऑफ ए बाई टू को साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस ए बाई टू लिख सकता हूँ क्या? यस. अब एक छोटा प्रॉब्लम भी बताता हूँ मैं. साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा होता है? हाँ होता है. लेकिन माइनस भी तो होता है. कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा. तो दोनों में से कौन सा? तो एक काम करो, अगर नहीं समझ में आया ना तो पहले प्लस यूज करके देख लो. देखते हैं कॉस ऑफ ए बाई टू को मैं क्या लिखूंगा. साइन ऑफ आगे पाई बाई टू प्लस ए बाई टू इक्वल्स टू साइन ऑफ ए बाई टू प्लस डेल्टा एम बाई टू. कुछ नहीं, दो टर्म कर ली. साइन साइन कैंसल. तो यू हैव पाई बाई टू प्लस ए बाई टू इक्वल्स टू कितना, ए बाई टू प्लस कितना, डेल्टा एम बाई टू. बराबर? यस. हाँ सर, गुड. कैंसल और कैंसल. बराबर? तो ये टू टू भी कैंसल. तो डेल्टा एम कितना हो गया, पाई कितना हो गया, 180. कितना हो गया, 180. ऐसा आंसर नहीं है और मिलना भी नहीं चाहिए था. क्यों नहीं मिलना चाहिए था? उसका एक रीजन था. रीजन तुमको मैथमेटिक्स से तो नहीं समझेगा, तुमको फिजिक्स से समझेगा. क्यों नहीं लिख सकते ऐसा हम लोग? व्हाई यू कांट राइट दिस वे? पहली बात, सबसे पहले चलो थोड़ा सिंपल करके बता देता हूं मैं. पाई बाय टू प्लस थीटा और पाई बाय टू माइनस थीटा दोनों क्या है, कॉस थीटा. लेकिन पहले कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाय टू माइनस थीटा पे आई कि पाई बाय टू प्लस थीटा पे आई? प्लस पे आई. हाँ, पाई बाय टू माइनस थीटा इज स्मॉलर. तो जब पहली बात ये होती है कि कॉस और साइन ना ये पीरियोडिक फंक्शन है, इनकी वैल्यू बार बार सेम आती रहती है. तो जो पहली वैल्यू होती है उसको बोलते हो प्रिंसिपल वैल्यू. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू. क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. प्रिंसिपल वैल्यू मतलब
पाई बाई टू माइनस थीटा पहले यूज करो, और उसका फिजिकल रीजन भी है, वो अभी मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा, इट विल बिकम टू हेक्टिक, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अरे फिर लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, तुम ऐसा समझ लो कि प्रिंसिपल वैल्यू, पहली बार साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू कब हुई, कॉस थीटा कब हुई, पाई बाई टू माइनस थीटा पे, तो बस पहले ये यूज कर लो, राइट। तो अगर मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ तो मैं अभी इधर प्लस लिखूंगी माइनस लिखूंगा, वेरी गुड, अगर ऐसा लिखा तो साइन साइन क्या हो गया, साइन साइन क्या हो गया, कैंसिल होगा कि नहीं, हाँ हाँ हुआ, कैंसिल हो गया, तो फिर क्या आएगा, पाई बाय टू माइनस ए बाय टू इक्वल्स टू ए बाय टू प्लस डेल्टा एम बाय टू, सब में टू 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 है ना, टू 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 उड़ा दो, पाई माइनस ए इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम, बराबर, हाँ टू 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 गया, इसको इधर लाओ, पाई माइनस ए इक्वल्स टू डेल्टा एम, व्हाट इज पाई, 180, माइनस ए मतलब माइनस टू है, तो कितना आ गया, डेल्टा, राइट करेक्ट, अभी आगे आंसर यस ऑप्शन नंबर ए। अब मैं बताता हूँ फिजिक्स का रीजन इसके पीछे, पिछले केस में ज़्यादा टेंशन मत लो, दो मिनट का भी काम नहीं है, व्हाट इज डेल्टा एम, पहले केस में कितना था, 180 मतलब एंगल ऑफ डेविएशन 180, तुम बोल रहे हो मिनिमम डेविएशन और 180 की बात कर रहे हो, डेल्टा एम इज मिनिमम डेविएशन और 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब समझ में आ रहा है तुमको, इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे में एंगल 180 होने का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे गया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन आ रहा है, एमरजेंट रे, ऐसा हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, बराबर, तो 180 कैन नॉट बी द आंसर, सो दिस इज व्हाट यू हैव, सो डन एंड दैट्स इट फॉर टुडे।